फतेहाबाद के मुख्य डाकघर में आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन अनुसूचित जनजाति एवं वित्त विभाग के चेयरपर्सन सुनीता दुग्गल ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर फतेहाबाद के उपायुक्त जेके आभीर भी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए सुनीता दुग्गल ने बताया कि डाकघरों में खुलने वाले इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आम जनता को काफी फायदा होगा, खासकर ग्रामीण आंचल में लोगों को बैंकिंग की सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस लगभग हर जगह होते हैं और अब उन्हें पेमेंट बैंक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बता दें, मनरेगा, पेंशन और अन्य सुविधाओं को लेकर मिलने वाली पेमेंट के लिए भी अब लोगों को शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डाकघरों में जाकर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से वो पेमेंट ले सकेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे भारतवर्ष में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जो हमारे पोस्ट ऑफिसेज थे उनको भी आप ये देखिए कि एक तरह से बैंक की ब्रांच के रूप में आज उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, कि जिसमें जो हमारे आप ये देखते होंगे कि पोस्ट ऑफिस जो है वो हमारे सभी ग्रामीण एरिया में भी होते हैं, तो वहाँ पर जिस भी तरह की जो पेमेंट्स हैं, चाहे वो मनरेगा की पेमेंट्स हैं, पेंशन की पेमेंट्स हैं और जितनी भी जो पेमेंट्स हैं वो हमारे ग्रामवासियों को वहीं पर उनके वहीं जगह पर ही मिले, उसके लिए जो हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं इनको भी पोस्ट पेमेंट्स बैंक के रूप में उन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि बहुत सराहनीय काम है ये, क्योंकि एक तो जो हमारे पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनको भी हम एक बार फिर से याद करने लगेंगे, क्योंकि हम भूल गए थे कि ये जो सिस्टम जो है इतना ज़बरदस्त जो है नेटवर्किंग स्टार्ट हो गई है, उसके बाद से जो आपने आपको ध्यान होगा कि पहले तो किसी समय में पिक्चर भी बनती थी डाकिया डाक लाया करके, लेकिन हम लोग अब धीरे धीरे उनको भूलते जा रहे हैं, तो एक तरह से फिर से हम उनको याद करेंगे और जो उनके कर्मचारी हैं उनको भी एक बड़े अच्छी तरीके से सेवा करने का मौका मिलेगा और जो हमारे नागरिक हैं उनको भी ज़बरदस्त एक सहूलियत मिलेगी, क्योंकि पोस्ट ऑफिसेज हर जगह पर होते हैं, ग्रामीण आंचल में भी और शहरों में भी, तो हर जगह पर जो है बैंकिंग सुविधा हमारे नागरिकों को मिलेगी। ये एक पहल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और मोदी जी आज इसका इनॉग्रेशन दिल्ली से करेंगे। और फतेहाबाद जिले का एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट।